पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा रेल यात्रियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा करना हमारा प्रथम दायित्व कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि रेल यात्रियों व कर्मचारियों को जागरूकता अभियान चलाकर रेलवे स्टेशनों एवं कार्यालयों में पोस्टर के माध्यम से दवाई भी और कड़ाई भी संदेश का प्रचार प्रसार किया जा रहा है तथा इसमें कोविड से बचाव के अंतर्गत 3 सावधानियां, मास्क को सही प्रकार से लगाना, हाथ को बार बार धोकर स्वच्छ रखना और 2 गज की दूरी का पालन करना सम्मिलित है। उन्होंने कहा कि स्टेशनों पर कोविड से बचाव हेतु संबंधित संदेश को जन संबोधन प्रणाली के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है तथा स्टेशन परिसर में मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है तथा जनजीवन को सामान्य बनाने हेतु एवं जन सामान्य की यात्रा सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में पूर्वोत्तर रेलवे पर अनुरक्षित की जाने वाली कुल 71 जोड़ी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में से अभी तक कुल 64 जोड़ी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो कि कोविड संक्रमण से पहले की तुलना में देखें तो 90% ट्रेनें हैं, जिनमें कुल 24 जोड़ी मेल एक्सप्रेस गाड़ियां मुंबई के लिए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे पर कुल 85 पैसेंजर ट्रेनें चलाई जानी हैं, जिनमें से 36 पैसेंजर ट्रेनों को अनारक्षित एक्सप्रेस ट्रेनों के रूप में चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुल लगभग 42% पैसेंजर ट्रेनों को चलाया जा रहा है तथा पूर्वोत्तर रेलवे पर सामान्य दिनों में चलने वाली औसतन 200 मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में से वर्तमान में 176 औसतन ट्रेनें प्रतिदिन चल रही हैं तथा सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए आरक्षित श्रेणी के कोचों के साथ चलाई जा रही हैं। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे पत्रकार बंधु पूर्वोत्तर रेलवे एवं एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मैं सीपीआरओ पूर्वोत्तर रेलवे पंकज कुमार सिंह आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे मध्य महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। मैं बता दूं, अचानक इस प्रेस वार्ता का बुलाने का मेन जो कारण है, मेन जो मकसद है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको सही जो वास्तविक चीजें हैं वो बताने हेतु ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। और अब मैं अनुरोध करूंगा अपने महाप्रबंधक महोदय से कि कृपया आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में ब्रीफ में बताएं। नमस्कार, गोरखपुर में उपस्थित सभी प्रेस से संबंधित मीडिया के सदस्यगण, प्रयागराज में उपस्थित सभी मीडिया के सदस्यगण एवं मेरे एनईआर के पीसीएम पीसीसीएम एनसीआर के पीसीएम पीसीसीएम CPRO from NCR and NER and all other officers. ये जैसा कि अभी CPRO NER पंकज सिंह ने बताया कि कुछ ऐसा महसूस हो रहा था, कुछ ऐसी गलतफहमी जनरेट हो रही है सिस्टम में कि स्टेशन पर बहुत भीड़ है और उनको ठीक से ट्रेन नहीं मिल पा रही है या ट्रेन में जाने की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो उन सारी गलतफहमियों को दूर करने के लिए ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है और आपसे ये पूरी इन्फॉर्मेशन क्योंकि आप तक पहुंच जाए बजाय इसके कि आपको कहीं और से कुछ आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए आपको मैं सोचा कि एक वार्ता कर ली जाए और आपको बता दिया जाए। तो जहां तक मैं अलग अलग दोनों रेलवे के लिए बात करूँगा, पहले NER की बात कर लेता हूँ, उसके बाद NCR की बात कर लेंगे। तो NER में बेसिकली जो गाड़ियाँ आज की डेट में चल रही हैं मेल एक्सप्रेस, जो ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग गाड़ियाँ थी वो नॉर्मल कोर्स में कोविड के पहले 71 जोड़ी हुआ करती थी, वो आज की डेट में 64 जोड़ी गाड़ियाँ ऑलरेडी चल रही हैं और प्री कोविड की करीब करीब 90% गाड़ियाँ चल रही हैं। और एक अभी ज़्यादा भीड़ हमेशा ऐसा होता है कि मुंबई से ही आने जाने वालों की भीड़ ज़्यादा होती है, उन्हीं गाड़ियों की ऑक्युपेंसी भी बहुत ज़्यादा है हमारी। तो
तो 24 गाड़ियां ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग सेमी रेलवे से चल रही हैं, और इन सब गाड़ियों की ऑक्यूपेंसी भी है, मुंबई वाली गाड़ियों की ऑक्यूपेंसी करीब करीब 100% है, 97-98% है, अभी भी पूरी तरह से भरी हुई है, ओवरफ्लो करके भी गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, और बाकी गाड़ियों में भी करीब ऐसे ही 90% गाड़ियाँ चल रही हैं। साथ में ये भी क्योंकि अभी करीब एक महीने पहले ये कोविड का दोबारा से फैलना पिछले 15 दिनों में बहुत तेज़ी से हो गया है, उसके पहले तो चीज़ें काफ़ी ठीक लग रही थी और धीरे धीरे पैसेंजर गाड़ियां भी बढ़ाई जा रही थी, तो पैसेंजर गाड़ियां भी 36 नॉर्मल कोर्स में एनी रेलवे में 85 एयर गाड़ियां चलती हैं, पर उनमें से 36 एयर गाड़ियां ऑलरेडी चलने लगी हैं जो अनारक्षित गाड़ियां हैं। तो इन और जो यहाँ से जो पासिंग थ्रू गाड़ियाँ हैं, जो एनी रेलवे से नॉर्मली 200 गाड़ियाँ हुआ करती थी पासिंग थ्रू गाड़ियाँ, वो इस समय 176 गाड़ियाँ चल रही हैं, और उन सभी गाड़ियों में सभी स्टेशन पर कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है, और पिछले कुछ दिनों से जितना तेज़ी से फैल रहा है तो मैं आप उस इसलिए स्टेशन पर भी हर तरह की चेकिंग, हर थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो अरेंजमेंट सब पहले से किए गए हुए थे वो सारे अरेंजमेंट वापस अच्छी तरह से चल रहे हैं, और पैसेंजर को जो भी दिक्कतें आ रही हैं या दिक्कतें जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है वो सब हमको पैसेंजर को जागरूक करने के लिए हम स्टेशन पे समय समय पर या लगातार अनाउंसमेंट भी करा रहे हैं, कुछ पोस्टर्स भी लगाए गए हैं, उसकी पब्लिसिटी की गई है। आप सबसे भी हमारा अनुरोध है कि जो भी मिले, जो भी जिस तरह से हो तो उन सबको जागरूक करें, क्योंकि ये जैसा सबको मालूम है कि बहुत तेज़ी से कोरोना फैल रहा है और पिछले बार से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, ज़्यादा भी हो चुका है, तो हम सबको इससे संबंधित बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा हमको एक दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी, एक दूसरे को समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, और आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप सब सबको जागरूक करें, आप सब सबको जिनसे भी कांटेक्ट में आते हैं, जो भी आते हैं, उनको कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहें। पैसेंजर गाड़ियां जरूर अभी खाली 65% ऑक्यूपेंसी में ही चल रही हैं, तो वो भी उसमें भी ऐसा नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना काफ़ी कुछ पॉसिबल हो रहा है, और वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। अब मैं NCR के विषय में बात कर लेता हूँ, उसके बाद अगर आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो फिर कुछ होगा तो उसकी बात करेंगे। ऐसे ही NCR में टोटल गाड़ियाँ जो चल रही हैं ओरिजिनेटिंग 49 पेयर्स चल रही हैं और 33 अनरिजर्व गाड़ियाँ चल रही हैं, मतलब टोटल मिला के 82 पेयर्स गाड़ियाँ चल रही हैं, और NCR से जो पासिंग थ्रू जो टोटल गाड़ियां चल रही हैं वो 272 पेयर गाड़ियां NCR में चल रही हैं। इन गाड़ियों का भी ऑक्यूपेशन का लेवल करीब करीब वैसा ही है जैसा कि NCR में है, करीब 100% के आसपास, 90% या पैसेंजर गाड़ियों में थोड़ा 50-55-60% की ऑक्यूपेंसी है। बम्बई आने जाने वाली गाड़ियाँ NCR से ज़्यादा ओरिजिनेट होती हैं, NCR के सिस्टम से झांसी से कानपुर से प्रयागराज से ही गाड़ियां चलती हैं, वो कुल मिला करके 6 पेयर वीकली, बाई वीकली या ट्राई वीकली, इनको मिला करके वो 6 पेयर गाड़ियां हैं जो चल रही हैं, और पर मुंबई के लिए NCR के थ्रू जो गाड़ियां मुंबई के लिए आने जाने वाली गाड़ियां हैं वो करीब 25 पेयर हैं, वो 25 पेयर चल रही हैं। स्टेशन्स पे, बड़े बड़े स्टेशन्स पे NCR में भी और NER में भी बैगेज सैनिटाइजेशन का अरेंजमेंट कुछ किया गया है, ऑल्दो ये मतलब फोर्सिबली नहीं है, ये जो लोग अपना कराना चाहते हैं वो करवा लें, COVID-19 के किट के सेल किट भी अवेलेबल कराए गए हुए हैं, अगर लोगों को चाहिए कोई बिना उसको लिए हुए स्टेशन पर आ जाता है तो उसको स्टेशन पर खरीद करके मिल सकता है, इस सब का इंतजाम किया जा रहा है। NCR में एक और अच्छी चीज़ है कि जो भी टिकट चेकिंग अरेंजमेंट है वो कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग अरेंजमेंट है, वो भी किया जा रहा है, और साथ में जो हमने बताया कि NCR में किया जा रहा है कि सारे स्टेशन के अनाउंसमेंट है, पोस्टर्स हैं,
ये तो NCR में भी किया जा रहा है और बोर्ड के इंस्ट्रक्शन के तहत पूरे इंडियन रेलवे में हर जगह किया जा रहा है। बस आप सबसे मेरा एक बार फिर से अनुरोध ये है कि सबको, जनता को जितना जागरूक कर सकते हैं, जो लोग ट्रेन को इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको जागरूक होना पड़ेगा और उनको फिर से, जैसा कि पिछली बार हम लोगों ने किया था, जितना जनता ने सहयोग किया था और जिस तरह से हमने इससे लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह से हमको ये लड़ाई वापस से लड़नी पड़ेगी और हमको वापस से जीतना है। तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध है और आप सबके, जैसा कि हमेशा आप लोगों का सहयोग प्राप्त होता रहता है, वैसे ही सहयोग की पुनः आशा है। पिछले कुछ दिनों से ही तमाम शहरों में रात्रिकालीन कर्फ्यू शुरू किया गया है। ऐसे में जब यात्री पहुँचते हैं तो उनको अपने घरों तक पहुँचने के लिए यातायात की बड़ी दिक्कत होती है। ये इशू पर जितना मुझे मालूम है वो ये है कि जिसके पास रेलवे का टिकट है, जहाँ भी कर्फ्यू है, अगर रेलवे का टिकट है या उसके पास कोई टिकट है तो वही कर्फ्यू पास का काम कर रहा है, कोई अलग से उसको कर्फ्यू पास नहीं लेना है। ऐसा अपने कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं, यूपी गवर्नमेंट का तो ये आदेश है कि जिसके पास टिकट रहेगा वो वही कर्फ्यू पास की तरह से माना जाएगा। हुआ नहीं है बेसिकली, कोई भी आजकल तो कोई भी क्लिप है, सारी चीज़ें लोगों के पास रहती हैं, तो कोई पुरानी क्लिप ले लिया या कहीं की किसी समय की ले लिया, उसको सर्कुलेट कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत अफवाह बहुत फैल रही है, लेकिन थोड़ा बहुत लोग, हर तरह के लोग होते हैं तो वो डालना चाहते हैं। तो हम लोग तो इसलिए इसको प्रोएक्टिवली कर रहे हैं कि कोई पैनिक सोसाइटी में नहीं जाना चाहिए, जनता के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हो कि अगर बिना बात के पैनिक फैल जाए तो उसका बहुत गलत मतलब भी निकलता है, एज वेल एज लोग परेशान हो जाते हैं। तो हम सब का मिलकर ये काम है कि किसी को परेशान ना होने दिया जाए। हम सब 24 घंटे काम ही इसीलिए कर रहे हैं कि सबकी सुविधाओं का ध्यान रखें, सबको कोविड से जितना ज़्यादा बचा सकते हैं उतना बचा के रखें। तो उसके लिए ये उन यात्रियों की चेकिंग के लिए तो ऑलरेडी बड़े स्टेशन पर सब जगह स्टेट गवर्नमेंट ने चेकिंग के बूथ लगा दिए हैं और बूथ की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। लखनऊ में करीब 8 बूथ बना दिए हैं, यहाँ गोरखपुर में अभी आज से 2 मोबाइल वैन ऐड कर दी है, 4 बूथ बना दिए हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी इन सब के लिए बहुत जागरूक है और हम लोग कंटिन्यूस उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि इस बार एक और चीज़ है कि हमको साथ साथ में वैक्सीनेशन भी कराना है, कराते जाना है। तो वैक्सीनेशन भी 45 साल से ऊपर वालों का, सबका जो भी मिलेगा, तो हम लोग अपने हॉस्पिटल में अरेंजमेंट कर रहे हैं, रेलवे वालों को भी कर रहे हैं, बाहर के लोगों को भी कर रहे हैं। तो इस बार पिछली बार से हमको और ज़्यादा काम करना है, तो उन सब चीज़ों की तैयारी भी है और हम कर भी रहे हैं। ये देखिए, अगर हम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंट्री गेट और एग्जिट गेट पे, एग्जिट पॉइंट पे लगा देना उचित नहीं होगा, क्योंकि फिर भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। क्योंकि पहली बार हमको ये था कि लॉकडाउन हो गया था, बहुत कम लोग आते जाते थे, सब कुछ था, तो उस समय तो हम इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते थे। अभी हम जितना रिस्ट्रिक्शन करेंगे तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। पर वो भी, उसको भी देख करके कि किस तरह से ज़्यादा सुविधा रहेगी, सुविधाओं को देखते देखते और सुरक्षित किस तरह से रहेंगे, उसको हम लोग रिव्यू भी कर रहे हैं और उसको कंटिन्यूसली रिव्यू करते रहेंगे। वो ऐसा नहीं है कि आज कुछ फैसला ले लिया तो फिर उसके बाद फाइनल हो गया, वो फैसला कंटिन्यूसली हमको लेते रहना पड़ेगा, देखते रहेंगे और उसके हिसाब से काम करते रहेंगे। पर स्टेशन पे जागरूकता फैलाने के लिए तो कंटिन्यूस अनाउंसमेंट हमने शुरू करा दिया है, पिछले मेरे ख्याल से 1 हफ्ते से ये काम चल रहा है, 10 दिन से चल रहा है, और पोस्टर्स भी बनवा लिए हैं, कई जगह सब जगह भेज दिए गए हैं, पोस्टर्स भी लगा दिए जाएंगे स्टेशन पे, बिल्डिंग्स पे, सब जगह। ये सारा काम बहुत ज़्यादा मेहनत से और बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ किया जा रहा है। सर, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इसके बारे में? जनता से सिर्फ ये अपील करना चाहेंगे कि मास्क लगा करके रखें, वैक्सीनेशन जिसको कराना है वो तुरंत वैक्सीनेशन कराए, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखे और अपने हाथ की हैंड हाइजीन जो है उसको पूरी तरह से मेंटेन रखे। वो हम सबको करना है।